हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सुमित कुमार। आज का क्लास हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला प्रश्न जो है आपके सामने है यहाँ पे बोर्ड पे कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ध्यान देना यहाँ पे अंडर वाटर है। अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर भी अब मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। और आखिर कहाँ पे ये हुआ है तो ध्यान देना चाहिए कि कोलकाता में अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जाकर के ओपनिंग किया और वहाँ पे कहा गया है कि पानी के अंदर लगभग 13 फीट नीचे तक यह लाइनें जाएंगी मेट्रो की। और ये भी कहा गया है कि वहाँ पे 5G की सुविधा मिल जाएगी, मेट्रो में 5G इंटरनेट की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ जो है कहा गया है कि पानी का एक बूंद भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, इतना ज़्यादा सिक्योर है, इतना ज़्यादा उसमें फैसिलिटी है कि किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कोलकाता में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केई पनियोर किस राज्य का 26वां जिला बना है। तो यहाँ पे आप लोग गेस कर सकते हैं, इसका हिंट समझ लेते हैं कि ये भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, मतलब तो सबसे पूर्व में स्थित राज्य भारत का। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, आप लोगों ने अंदाजा लगा भी लिया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के सबसे पूर्व दिशा में स्थित है ये। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले जो है कितने राज्य थे, 25 राज्य थे, अब टोटल कितने हो गए हैं, प्लस एक हो गया तो हो गया 26। और ये 26वां राज्य कौन सा है, केई पन्योर। ठीक है, तो केई पन्योर जो है अरुणाचल प्रदेश का 26वां राज्य है। और बिहार में आपको पता है बिहार में कितने राज्य हैं, 38 राज्य हैं। चलिए सॉरी, बिहार में 38 जिले हैं, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, ये सरकार समर्थित है OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म से जो है बहुत सारे लोग रूबरू होंगे और कोरोना काल से ही इसका क्रेज काफी ज्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। OTT मतलब ओवर द टॉप, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, या हॉटस्टार वगैरह देखते हैं, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। तो सरकार के द्वारा समर्थित, मतलब सरकार स्पॉन्सरशिप दे रही है, उसमें सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है सरकार ने कहाँ पे की है, केरल में की है। यानी सरकार की कोई डॉक्यूमेंट्री हो गया या किसी प्रकार का कोई लिस्ट हो गया जो सरकार को शो करना है पब्लिक के सामने, तो यहाँ पे वो सरकार करती है। और इसको कहाँ रिलीज किया गया है, केरल में रिलीज किया गया है। ठीक है, बाकी तो निजी तौर पर तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गेल की भारत की लघु LNG इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए गेल का LNG, लघु LNG आप लोग को पता होगा उसका फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं जैसे LPG, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि LPG क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बट यहाँ पे LNG है तो होगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस, द्रवीभूत प्राकृतिक गैस है ये। यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, तो ये है लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस है। इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है, पहला ऑप्शन है विजयपुर मध्य प्रदेश, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है चेन्नई भोपाल। तो यहाँ पे ये विजयपुर जो आप देख रहे हैं ये इसका सही आंसर होगा। विजयपुर में जो है यह गेल की भारत की पहली लघु LNG की शुरुआत की गई है। और ये भी ध्यान देना है कि भोपाल ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे MIC मेथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस दुर्घटना हुई थी। MIC जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइट बोलते हैं, वहाँ पे लीकेज हो गया था और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, काफी लोग वहाँ पे मारे गए थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेवल वॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नेवल वॉर कॉलेज, तो नेवल वॉर कॉलेज जो है वहाँ पे जो बनाया गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। जो भी नेवी के ऑफिसर्स होंगे, जो सिलेक्ट होंगे, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसलिए बनाया गया है।
तो कहीं ना कहीं रक्षा से संबंधित है, डिफेंस से संबंधित है, तो आज के डेट में जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे वही करेंगे। इसका आंसर बनेगा आपका राजनाथ सिंह। ध्यान देना है नेवल वॉर कॉलेज चोल भवन का, तो चूंकि चोल साम्राज्य के समय काल का वो भवन है इसलिए उसको नाम दिया गया चोल भवन। और ये नेशनल वॉर कॉलेज है, यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा उन ऑफिसर को जो नेवी से रिलेटेड है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए स्पीड पेट्रोल का मतलब गाड़ी में अगर हम डालते हैं तो थोड़ा सा उसका माइलेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो गाड़ी में माइलेज बढ़ना या व्यक्ति का माइलेज बढ़ा हुआ होना, तो ये चारों ऑप्शन से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे MS धोनी है, विराट कोहली है, नीरज चोपड़ा है, मीराबाई चानू है, तो कहीं ना कहीं स्पीड को लेकर के, फास्ट को लेकर के, एनर्जी को लेकर के आज आप लोग सबसे ज्यादा नाम अगर सुनते होंगे तो वो किसका है, नीरज चोपड़ा का। जेवलिन के खिलाड़ी हैं ये, भाला फेंक जिसको बोलते हैं। तो हमेशा इनका रिकॉर्ड रहा है, जब भी खेलते हैं तो ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इतना जान लीजिए, दूसरे का तो रिकॉर्ड भूल ही जाइए, ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य में शुरू की गई है। देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी प्यारी बहना ये कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस वाली बात आ गई फिर, कि जब भी कांग्रेस की सरकार रहा करती थी उस समय जो भी योजना आता था या तो नेहरू जी के नाम से होता था या तो फिर इंदिरा गांधी के नाम से हुआ करता था। आज के डेट में जो भी योजनाएं आती हैं वो प्रधानमंत्री लिख करके आता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो पहले क्या था, इंदिरा आवास योजना। अभी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो पहले नेहरू उज्ज्वला योजना या उजाला योजना। तो पहले क्या था कि उनके नाम के साथ योजना आता था, आज के डेट में पद नाम के साथ आता है। तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत की गई है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इसके तहत भी जो है मासिक राशि जो है यहाँ पे दिया जाएगा महिलाओं को, जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था कि 1000 रुपया पर माह जो है दिया जाएगा सबको महिलाओं को। चलिए यहाँ पे देखते हैं फेलेटी टेओ जो है किस देश के नए PM बने हैं। तो थोड़ा सा ये आपका क्वेश्चन पुराना हो गया, मतलब 4-5 दिन का हो गया, फिर भी आपके रिवीजन के लिए काम आएगा। तो अगर आपको उत्तर पता है तो आप हमें बताइएगा जरूर। हालांकि इसका उत्तर है टुवालू। टुवालू के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन, फेलेटी टेओ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए बड़ी मजेदार जो है ये जेट रेस जो है ना, जेट सूट रेस जो है, मतलब यहाँ पे जमीन पे नहीं दौड़ना है, वो सूट पहन करके आसमान में दौड़ना है। तो एक तो आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा प्लस वो रेसिंग भी हो जाएगा। तो ये जो है कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है ना, संयुक्त अरब अमीरात। जानते हैं आप लोग संयुक्त अरब अमीरात में टोटल कितने अमीरात है, 7। टोटल अमीरातों की संख्या जो है वो कितना है, तो टोटल 7 अमीरात है, और 7 में से एक अमीरात कौन सा है, दुबई। तो दुबई में जो है यहाँ पे ये जेट सूट रेस जो है हुआ है, हवाओं में उड़ते हुए ये रेसिंग प्लान किया गया है। तो बड़ी एंटरटेनमेंट वाला चीज है ये, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न होगा, यहाँ पे आपको बताना है कि मूडीज ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़कर कितना कर दिया है। अनुमान बढ़ाकर मतलब एक तरह से देखा जाए कि क्या अनुमान है GDP का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि भारत में जो है, भारत के सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु उत्पादित हो रही है उसका बजार कीमत क्या है। तो अगर इसका मान परसेंटेज में देखें तो फिलहाल जो है 6.8% के आसपास पे है, हालांकि ये बदलते रहता है। और मूडीज एक संस्था है जो ऐसा रैंक, ऐसा इंडेक्स जो है देते रहता है हर देश के बारे में, एक इंटरनेशनल संस्था है। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद, एक होता है GNP।
ठीक है। तो जीएनपी का मतलब घरेलू उत्पाद भी हो गया, और जो विदेशों में वस्तुएं बन रही है, निर्मित हो रही है, यहाँ वहां पर लोग पैसा कमा रहे हैं, उन सबको ऐड कर दिया जाए, जीडीपी के साथ ऐड कर दिया जाए, तो जीएनपी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इस 10 क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, ताकि जब भी एग्जाम आए तो आप इजिली इसका रिविजन कर सकें। धन्यवाद।